जय श्री राम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और ये हमारा ट्रस्ट का मंदिर है। यहाँ पे रुक सकते हैं, कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप स्वेच्छा से जो भी दान करना चाहें और यहाँ पे आप रुक सकते हैं। और ये अयोध्या का लुक आप देख लीजिए, ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे नीचे, देखिए वो गाड़ी सेल्टोस खड़ी है। तो यहाँ से ये राम की पैड़ी जाने के लिए रास्ता, इधर से आगे राइट में राम की पैड़ी और रामलला, लेफ्ट में रामलला और हनुमान गढ़ी। और आप अयोध्या का लुक देख सकते हैं यहाँ से पूरा। यहाँ पे 10,000 मंदिर हैं अयोध्या में, हर जगह आपको रामायण या का पाठ मिल जाएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है, अच्छा लग रहा है काफी। अभी जाएंगे दर्शन करेंगे, अभी सरयू घाट जाना है मुंडन के लिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। यहाँ पे आपको सारी तरफ मंदिर मिलेंगे, हर तरफ वेदांती महाराज, महाराज। और ये रोड है, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए ये वाली रोड है जिधर से हम लोग आए थे, बाईपास की तरफ से आप सरयू की तरफ, राम की पैड़ी की तरफ वाली जो रोड है वो ये है। और इसी के बगल में ये जहाँ पे हम लोग रुके हुए श्री राम हस्तम मंदिर, यहाँ पे राम जी का, और यहाँ पे कंटिन्यूस पाठ चलता रहता है। अभी हम लोग सरयू घाट की तरफ जा रहे हैं, पीछे देखिए सब लोग हैं, सब लोग चल रहे हैं पीछे और आगे भी। चलते हैं घाट पे, फिर दिखाते हैं आपको आगे से, घाट आने ही वाला है। तो सामने सरयू घाट है और यहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं, लोगों ने लगा रही है एक गाड़ी। आगे हम चलते हैं, सरयू घाट पे आ चुके हैं। देखिए सामने सरयू जी, आने जाने वाले हमारी जो और मुंडन होने जा रहा है बच्चे का, ये देखिए परेशान है थोड़ा बहुत, सारा मिशन फेल करा रही है। और ये सरयू जी एकदम घाट पे, मुंडन हो रहा है पीछे। चलिए अब चलते हैं सरयू घाट पे, आचमन करेंगे फिर निकलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। वोटिंग के लिए सब लोग, चाचा चाची और सब लोग चलेंगे सरयू जी में वोटिंग के लिए। आप वोटिंग करते हैं और आप मोटर बोट है, भैया चला रहे हैं।
यहाँ पे घाट बने हुए हैं अलग अलग, और ये देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। आरती घाट फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, शाम को आरती होती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है कि वो सी, ये देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है। ये हमारी बोट, ये आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी, सरयू नदी दिखेगी आपको। फ्रेंड्स हम लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में, और सरयू जी में बोटिंग कर रहे हैं, और भैया हैं, भैया ने बोटिंग कराई है। तो भैया का, भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथुन। मिथुन, तो आपको राम की पैड़ी के सामने वाला जो रोड आती है वहाँ पे घाट पे मिल जाएंगे, नंबर मैं इनका डाल दूँगा तो आप मिलिएगा। भैया ने बहुत अच्छे से कराया, एक बार भैया हाय बोल दीजिए। तो भैया से मिलेंगे फिर, अगर आप लोग इस बोट पर बैठे थे देख सकते हैं, बीजेपी का जो फ्लैग लगा हुआ है वो जा रही है आगे, और भी बहुत सारी बोट्स आपको मिलेंगे। हम लोग सरयू जी होके आ गए हैं, और ये नया घाट चौराहा है, ये इधर देखिए नया घाट है वहाँ लिखा हुआ है, और ये खोया पाया कैंप है जहाँ 9 दिन का पूरा वो फेस्टिवल चल रहा है। और ये देखिए LED स्क्रीन भी लगी हुई है, हमें सामने जाना है मेन अयोध्या सिटी के लिए स्ट्रेट जाना है, और यहाँ से आप बाईपास जा सकते हैं, ये वाली रोड से सीधे बाईपास जा सकते हैं, और यहाँ से रामलला के लिए इधर ये वाली रोड सीधे जाना है। यहाँ पे हनुमान जी की देख सकते हैं बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, और ये नया घाट है उधर, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे अंदर, इधर इस साइड में राम की पैड़ी है, और ये अयोध्या में रामलला और हनुमान गढ़ी के लिए इधर जा रहे हैं। उधर वो बस स्टैंड है वहाँ पे, और काफ़ी मतलब सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस और ये सब काफ़ी हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक्स करिएगा, और शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी क्वेरी हो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, एंड मैं उसका पूरा आपको डिटेल बता दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आने जाने या किसी भी से भी रिलेटेड, तो कि आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो चलिए चलते हैं, राम की पैड़ी का इस तरफ है, और हम लोग स्ट्रेट चलेंगे आश्रम की। तो ये मेन रोड है, यहाँ से इधर राम की पैड़ी के लिए इधर से जाना पड़ता है आपको, ये रास्ता है राम की पैड़ी के लिए, जहाँ पे आपने सुना होगा काफ़ी दिए घाट वाट बने हैं और काफ़ी दिए जलाए जाते हैं। तो मैं आगे चल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, तो ये है फ्रेंड्स राम की पैड़ी, आप देख सकते हैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये राम की पैड़ी है। पहले हम लोग उस तरफ गए थे नोड रोड के उधर, और ये हमारा राम की पैड़ी वाला घाट है, ये देखिए यहाँ पे, और सरयू का थोड़ा फ्लो इधर डाइवर्टेड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे राम की पैड़ी है, और मैंने सोचा लाइए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए पीछे घाट बने हुए हैं इस तरीके से, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और चलते हैं अब अपने आश्रम की तरफ जहाँ पर आज हम लोग रुके हैं, तो आगे चलते हैं, दिखाएंगे हनुमान गढ़ी, दर्शन करेंगे, दिखाते हैं आपको रामलला के दर्शन। तो चलिए चलते हैं, जय श्री राम। तो ये नया घाट है, नया घाट से जैसे आप इधर आएंगे इधर राम की पैड़ी जा सकते हैं, और अभी हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं अयोध्या की तरफ, मेन सिटी जो है जहाँ पे हमारा आश्रम भी है, और रामलला और हनुमान गढ़ी के लिए भी यही रास्ता है। ये हमारी अयोध्या की मेन रोड है, इधर पीछे नया घाट की तरफ से हम लोग आ रहे हैं बाईपास की तरफ से, और सामने आप हनुमान गढ़ी, रामलला और जानकी महल,
और दशरथ महल के लिए आप जा सकते हैं ये, और ये परिक्रमा मार्ग है तो यहाँ से इधर और स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो और मंदिर आपको दिख जाएंगे। ये देखिए आगे हम लोग इधर मुड़ रहे हैं इस गली में, तो यहाँ पे श्री राम हरसन जी ट्रस्ट वाला हमारा जो यहाँ पे हम लोग रुके हैं मंदिर में, तो चलेंगे थोड़ी देर में फिर निकलेंगे दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी के लिए ई रिक्शा किया है और हमारा जो आश्रम है वहाँ से 50 रुपये लग रहा है, तो हनुमानगढ़ी चल रहे हैं, थोड़ा ई रिक्शा में संभल कर बैठे नहीं तो चोट लग सकती। तो ये देखिए यहाँ पे ई रिक्शा उतरते हैं हनुमानगढ़ी के लिए और वहाँ से जस्ट सामने मंदिर है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे हनुमानगढ़ी मंदिर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ई रिक्शा उतारेगा वहाँ से भी थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा, सामने दिख रहा है मंदिर बट थोड़ा सा दूर है, तो चलते हैं फिर आगे एंड दिखाते हैं आपको आगे। वहाँ राम की पैड़ी से आपको जो चौराहा है वहाँ से 10 रुपये पड़ते हैं पर हेड ई रिक्शा में हनुमानगढ़ी तक के लिए। चलिए हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये बैरिकेटिंग है इसको क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा, अभी हम निकल लिए हैं और एक रास्ता इस साइड से भी आता है देख सकते हैं इधर से, और वो एकदम मंदिर तक जाता है, सामने मंदिर दिख रहा है हमको, सामने आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। तो फ्रेंड्स हम लोग 12:05 पे आए थे और 12 बजे लगभग ये बंद हो जाता है मंदिर श्रृंगार के लिए साफ़ सफाई के लिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग दुकान पे हैं और अभी टाइम लग रहा है थोड़ा, तो यहाँ वेट करेंगे थोड़ी देर क्योंकि अभी मंदिर बंद है, बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं यहाँ पर। दर्शन हो गए हम लोग के, बहुत ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे को आइएगा तो ज़रा देख के आइएगा, 1 बजे 12 बजे के टाइम बंद होता है और 1 बजे खुलता है, तो 1 बजे के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है आप देख सकते हैं पीछे, और हम लोग प्रसाद ले लिए, हम लोग दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा लिए, अब चलते हैं घर दिखाते हैं आपको। हम लोग दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं दर्शन करके, आप देख सकते हैं ये वाली गली से और सबसे बढ़िया रास्ता यही वाली गली से है, आप देख सकते हैं मेन रोड है और यहाँ से ये गली है, मैं अभी आपको दिखा श्री अंजनी नंदन स्वीट्स की दुकान है और ये वाला गेट भी आपको देख सकते हैं ये सिंह द्वार, तो यहाँ पे हमारी मेन रोड है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में गाड़ी पार्क आप कर सकते हैं सुग्रीव किला पे, तो इस साइड है वो और इधर राम की पैड़ी की तरफ है, तो हम लोग निकल रहे हैं, एक्चुअली आज भीड़ ज़्यादा है तो अभी रामलला नहीं जा पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो रामलला चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दर्शन हो गए हैं हम लोग के और अब चल रहे हैं अपना आश्रम की तरफ, तो सरयू नदी का घाट जहाँ पर नया घाट है और राम की पैड़ी वाला ये रोड है, तो संडे को आना अगर अवॉइड कर सकते हैं तो संडे को मतलब अवॉइड करिए आना, नॉर्मली बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी एक्चुअली नवरात्र है इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैग बहुत सारे मिल जाएंगे झंडे हनुमान जी वाले जय श्री राम वाले राम दरबार के, ये देखिए बड़े बड़े पूरे रोड पे आपको दिख जाएंगे, ये देखिए तुलसी उद्यान, ये तुलसी उद्यान है यहाँ पार्क है काफ़ी अच्छा बना, ओपन जिम भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे 10,000 मंदिर हैं अयोध्या में, हर जगह आपको मंदिर दिखेगा। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने मंदिर पे, बस भैया रोक दीजिए हम, तो यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है देख सकते हैं, चलते हैं। अच्छा ये हम लोग श्री राम मंडपम में आए हैं, ये देखिए तो ये काफ़ी बढ़िया सा एक मंदिर बना हुआ है और नीचे इधर किचन है और इधर यहाँ पे संतों का रहने का
दर्शन कर रहे हैं, फिर चलते हैं लखनऊ के लिए। रामलला आज जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, और तो आज ये सब दर्शन करके फिर निकलेंगे।